हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पर हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बेस पे होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा और साथ में अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस लाल बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप सभी तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। फ्रेंड्स, आप सभी का एक न्यू चैनल है वनडे एग्जाम टारगेट जीएस। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड की जाती हैं, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी की लाइव क्लास कितने बजे से होती है, आप लोग पूछ रहे थे, तो आपकी लाइव क्लास होती है 9 बजे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आप लोग टेस्ट देने के बाद 50 में से कितने स्कोर करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आपका टेस्ट है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और दोस्त में शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। और आप लोग हमें सुन पा रहे हैं कि नहीं, नेटवर्क का कुछ इशू था, काफी देर से कनेक्ट करवा रहे थे। तो पहला क्वेश्चन, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओके, ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले का हमारा ऑप्शन सही होता है, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पहले का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, मौसम विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी से टकराने वाला परावैगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर दो का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? 2 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। तो फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा और ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं किस मंडल में होती हैं, कहां घटित होती हैं, कौन से मंडल में ये प्रक्रियाएं घटित होती हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है कौन सा? 4 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, क्षोभ मंडल। ठीक है, 4 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी। 5 पे आते हैं। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती कब? 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को, 4 जुलाई को। तो 5 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? 5 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, 4 जुलाई को। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती, जबकि अब न्यूनतम दूरी भी पूछा जा सकता है, 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होती। इन घटनाओं को क्या कहते हैं? जब अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, अपेलियन। और जब ये न्यूनतम दूरी पर होती है 3 जनवरी वाली डेट को, तो इसे क्या कहते हैं? पेरिहेलियन, उपसौर कहते हैं। ठीक है, लगभग यही तिथि होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? बृहस्पति, शुक्र, शनि, यूरेनस। तो 6 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, बृहस्पति। तो यहां पर आप सभी को बता दे रहे हैं कि मेरा कोई चैनल नहीं, बस एक ही चैनल है, एक ही चैनल वनडे एग्जाम टारगेट। आप लोग बार बार ध्यान में रख लीजिए वनडे एग्जाम टारगेट। ठीक है, यही बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाइए। तो 7 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, 180 अंश देशांतर। क्वेश्चन नंबर 8, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं जो दर्शाती हैं समान वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्र, समान तापमान वाले क्षेत्र, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र, बराबर धूप वाले क्षेत्र। तो 8 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी। फटाफट से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, अंधकारमय महाद्वीप है कौन सा? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, एशिया। तो 9 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है?
नौ का हमारा ऑप्शन सही होता है ए अफ्रीका। अब ये अंधकार में महाद्वीप क्यों कहा जाता है, महाद्वीप आपके सिलेबस में है। तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र या क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। क्योंकि इसके आंतरिक भागों के बारे में पूरी जानकारी का अभाव है और साथ ही साथ अगर यहाँ पे कहें शिक्षा व जागरूकता की कमी के कारण इस महाद्वीप को अंधकार में महाद्वीप भी कहा जाता है। तो रीजन यही है। ठीक है, अफ्रीका ऑप्शन हमारा सही होता है नौ का ए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसे? ऑप्शन हमारा सही होता है 10 का डी, बांग्लादेश और भारत को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे 11 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? ए यहाँ पे देखिए बांग्लादेश, बी चीन, सी भूटान, डी पाकिस्तान। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? 12 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करते चलिए, लाइक का बटन हमेशा प्रेस करते रहिए। ठीक है, प्रसिद्ध क्रूगर, ये क्रूगर है, क्रूगर नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पर? सऊदी अरब में, दक्षिण अफ्रीका में, सूडान में, तंजानिया में। तो 13 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है कौन सा है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होता है? डी, दक्षिण अमेरिका। क्यों? ये देखिए संसार का सबसे आर्द्र स्थल भारत का मासिनराम है, ठीक है, जो कि एशिया महाद्वीप में है, लेकिन संपूर्ण क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा के वितरण को अगर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप सबसे आर्द्र महाद्वीप है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। डोल ड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुवीय क्षेत्र के निकट, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। तो 15 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, भूमध्य रेखा के निकट। सही होता है ए, भूमध्य रेखा के निकट। अब देखिए डोल ड्रम कटिबंध भूमध्य रेखा के दोनों तरफ यानी कि 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है ये डोल ड्रम कटिबंध। ठीक है, ये 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी बीच में पाया जाता है डोल ड्रम कटिबंध। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? उद्गम, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र, कैटर, सिंडर संघ। तो 16 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी। 17 की तरफ आते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा सही होता है डी, 17 का डी, सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। भूकंप का कारण क्या है? भूपरिभ्रमण, भूघूर्णन, टेक्टोनिज्म, अनाच्छादन। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे 18 का सी, टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से होता है। क्वेश्चन नंबर अब 19 की तरफ आते हैं। वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? विकल्प आप सभी के सामने है। 19 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, भूमिगत पानी का पुनर्भरण। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं? नाइट्रेट होता है, ओजोन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। ऑप्शन हमारा सही होता है सी, ये 3 लिखा है डी होगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट चलते हैं। स्थल समीर वह शीत समीर है जो स्थल से किसकी ओर प्रवाहित होती है? समुद्र की ओर, वन की ओर, मरुस्थल की ओर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 21 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, समुद्र की ओर। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। चारागाह को पंपास कहा जाता है कहां पर? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 22 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, दक्षिण अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? पवन की दिशा, पवन का वेग, पवन दाब की प्रवणता, पवन की गति और समय। तो 23 का हमारा ऑप्शन सही होता है यहाँ पे बी, पवन का वेग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? सोना, चांदी, हीरा, लोहा। तो 24 का हमारा ऑप्शन सही होता है
किसके लिए प्रसिद्ध है ये 24? तो ऑप्शन हमारा सही होता है सी, ठीक है, हीरा के लिए। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है कौन सी? चावल, गेहूं, चना, अलसी। तो 25 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? ए, चावल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं नेक्स्ट 26 की तरफ। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में से कोई नहीं। तो 26 की तरफ आते हैं, 26 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, अरब सागर में। एससीईआरटी जब पढ़ाया था डिटेल में सब बताया था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? न्यूमोर, लक्षद्वीप, गंगा सागर, रामेश्वरम। तो 27 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, रामेश्वरम। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की सात बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। 28 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, पश्चिम बंगाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान, दक्षिण का पठार। तो 29 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, दक्षिण का पठार। 30 की तरफ आते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? 30 का हमारा ऑप्शन सही होता है यहाँ पे डी, सिक्किम। 31, भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। तो 31 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, महाराष्ट्र से। ठीक है, थर्टी टू, नंदा देवी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, उत्तराखंड में। 33, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? 33 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, माउंट एवरेस्ट। 34, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन हमारा सही होता है सी, सिक्किम में। 35, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलते हैं? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, देवप्रयाग। 35 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आते हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं कौन कौन सी है? आप लोग विकल्प में देखिए। तो 36 का हमारा ऑप्शन सही होता है एक, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, नेक्स्ट। सॉरी, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है 38 का, गोदावरी होगा। ठीक, 39 की तरफ आते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दामोदर, वराकर, हुगली, महानदी। तो ऑप्शन हमारा सही होता है डी, 39 का डी ऑप्शन सही होता है। 40 पे चलते हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर्मदा, तापी, चंबल, कृष्णा। तो 40 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, चंबल। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। 41 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, जम्मू कश्मीर। 42, कयाल क्या है? तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार की रेगड़, केरल के लैगून। तो 42 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, 43। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती, कावेरी, नर्मदा, चंबल। तो 43 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, शरावती। 44,
टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है? 44 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? भागीरथी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। 45 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, कावेरी नदी पर। 46 की तरफ आते हैं। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? केरल में, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। 46 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, तमिलनाडु। 47 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। 47 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 48 निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट, चंद्रप्रभा, बांदीपुर, मानस, पेरियार। डी, पेरियार। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो 49 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, 50। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो ऑप्शन हमारा सही होता है उत्तराखंड में। तो ये रहे आपके पूरे 50 क्वेश्चन। आज के सवाल की तरफ आ जाते हैं। आज का सवाल आप सभी के लिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, मंडल बहिर्मंडल। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक देना हमेशा की तरह ना भूलिएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।